मेरा नाम अंकित है और मेरा जन्म एक राजपूत परिवार में हुआ और मेरा जन्म पौड़ी गढ़वाल में हुआ। और मुझे याद है जब मैं छोटा था तब से मेरी मम्मी के अंदर एक आत्मा का वास था और हम सब लोग उस आत्मा की पूजा करा करते थे, क्योंकि हमें ये बताया गया था कि वो परमेश्वर है, वो देवी है। और एक रात जो मुझे अच्छे से याद है, उस रात 3 बजे मेरी नींद खुली क्योंकि मैंने अपने मम्मी की चिल्लाने की आवाज़ सुनी। और जैसे ही मैंने आंखें खोला तो मैंने देखा कि मेरे जो पिता हैं वो मेरी मम्मी के सामने घुटने टेके हुए हैं, और उस समय उस आत्मा ने मेरी मम्मी के ऊपर पूरा कब्जा किया हुआ था और उनके हाथ में खुकरी थी। और मेरे जो पिता हैं वो भीख मांग रहे थे और समय मांग रहे थे कि जो चढ़ावे उस आत्मा ने मांगे थे वो चढ़ावे चलाने में मेरे पापा असमर्थ रहे उस समय के बीच में। और मुझे याद है कि हमारे तीसरा सेमेस्टर चल रहा था और अगले दिन हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्जाम था और उस रात 1 बज रहे थे और हम सब पढ़ाई कर रहे थे। और जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद करी, जैसे ही मैंने बिस्तर पे अपनी आंखों को बंद किया, अचानक मुझे दरवाजे में नॉक सुनाई दिया। और जब मैंने आंखें खोली तो कोई भी उस कमरे में नहीं था। वो एक आत्मिक एक्सपीरियंस था, उस समय मुझे वो पता नहीं था। और जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ गया और खोला मैंने दरवाजे को, तो मैंने वहाँ पर एक स्त्री एक औरत के फिगर को देखा, मगर वो इंसान जैसी दिखती तो थी मगर इंसान नहीं थी, क्योंकि उसकी जो आंखें थी वो जैसे ब्लैक होल होता है वैसी थी। और वहाँ पे मुझे टैंजिबल हेट्रेड, टैंजिबल जो नफरत है वो मुझे महसूस हो रही थी। और मैंने उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करी और जो वो आत्मा थी उसने दरवाजे को धक्का दिया और मैं गिर गया। उसके आगे मेरे हाथ और जैसे ही यहाँ पर काटा मैं रुक गया, और जैसे ही उठा मेरे गर्दन में यहाँ पर दर्द हो रहा था और मैं अपने सारे दोस्तों के पास गया और मैं रो रहा था क्योंकि मैं बहुत डर गया था। और मैं उनसे कह रहा था कि ये मैंने देखा है, वो कह रहे थे कि ये एक नाइटमेयर होगा, एक बुरा सपना तुमने देखा होगा, सो जाओ। और सुबह तक मैं सो नहीं पाया, तो मैं जितनी आरतियाँ, जितनी प्रार्थनाएँ, जितने मंत्र मुझे याद थे मैं वो सब बोलने लग गया, मगर मुझे सुबह 4 बजे तक जो है मेरे को नींद नहीं आई। और अगली सुबह जब मैं कॉलेज गया उस दिन मुझे दौरा पड़ा और मैं कॉलेज में गिर गया। और उसके बाद मुझे जो दौरे पड़ने हैं वो शुरू हो गए, मुझे डॉक्टर्स के पास ले जाया गया और बार बार जो मेरे दौरे हैं वो बढ़ते गए। और फिर मेरी ज़िंदगी ऐसी चल रही थी कि मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दी थी और मैं केवल घर पे ही था, मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। और फिर एक दिन मेरा एक दोस्त भरत गुजराल मुझसे मिलने के लिए आया और मुझे बताने लग गया कि मेरा जीवन बदल गया है। और उसने कहा कि एक व्यक्ति ने उसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जो ड्रग एडिक्ट था, और जब वो मर रहा था तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके कमरे में आया और उससे बातचीत करी और उसे नया जीवन दिया। और जैसी भरत ने मुझे ये बात बताई, वो सारी पुरानी मेमोरी, वो सारी यादें, जब मैं परमेश्वर के साथ वो कनेक्शन, वो रिश्ता चाहता था, वो सारी आ गई। और मैंने भरत से कहा कि मैं भी चाहता हूँ उस व्यक्ति से मिलना। उस व्यक्ति ने कहा कि क्या तुम एक चेंज चाहते हो अपने जीवन में? और वो एक ऐसे शब्द थे जो मेरे अंदर, मुझे ऐसा लगा कि उन शब्दों ने मुझे हिट किया और मैंने कहा हाँ, मैं एक बदलाव, एक चेंज चाहता हूँ अपने जीवन में। तो उस व्यक्ति ने कहा क्या तुम अपना दिल खोलोगे, क्या तुम प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में जगा दोगे? और सच बताऊं तो मेरे लिए इस बात का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि मैं पहले ही इतने सारे देवी देवताओं को मानता था, तो अगर मैं यीशु मसीह को भी अपने दिल में जगा देता तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। तो मैंने कहा हाँ, आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम प्रार्थना मेरे साथ करोगे? और उन्होंने मेरे साथ एक प्रार्थना को दोहराया, उन्होंने मेरे साथ एक प्रार्थना को किया और मैंने उस प्रार्थना को दोहराया और मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह, मैं अपना दिल आपके लिए खोलता हूँ, आप मेरे अंदर आके रहिए। और उस रात मेरा वैसे ही आत्मिक अनुभव हुआ जैसे मेरठ में हुआ था 1 साल पहले, जब मेरे को दौरे आने शुरू हो गए। और उस रात जैसे ही मैंने आंखें बंद करी, मैंने देखा कि मुझे मम्मी की अपनी चीख चीखने की आवाज़ सुनाई दी। तो मैं भाग के जब उनके कमरे में गया तो मैंने वहाँ देखा कि वही आत्मा, वही दुष्ट आत्मा जो मुझे सताया करती थी, वो मेरी मम्मी के बगल में बैठी है और मेरी मम्मी जो है डर के कांप रही है। और उससे पहले जब भी मेरा सामना उस आत्मा से होता था मैं बहुत ही डर जाता था, और उस आत्मा के चेहरे में मैं एक हंसी देखता था कि मैं डर रहा हूँ और वो उस चीज़ से बहुत खुश है। मगर इस बार जैसे ही उसने मेरे को देखा वो एकदम डर गई और एकदम कांपने लग गई और कमरे से बाहर भाग गई, जैसे उसने मुझे नहीं किसी और को देखा। और क्योंकि ये आत्मिक अनुभव था, वापस जैसे ही मैं अपने सेंसेस में आया मैं रोने लगा, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया कि क्या हो रहा था। और उस समय मुझे एक बहुत ही तेज मगर बहुत ही एक प्रेम भरी हुई आवाज़ अपने कमरे में सुनाई दी, और उस आवाज़ ने कहा मेरे बेटे, क्या तू नहीं समझा कि यह अनुभव मैंने तुझे क्यों दिया? और मैं इधर उधर देखने लग गया कि आवाज़ कहाँ से आ रही है और मैं नहीं समझा था। और फिर एक धीमी सी आवाज़ ने कहा ये प्रभु यीशु मसीह है जो तुझसे बात कर रहा है। और मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं समझ में आया कि आपने मुझे अनुभव क्यों दिया। और उस आवाज़ ने कहा कि अब मैं तेरे अंदर रहता हूँ
और तुझे अब से दुष्ट आत्माओं से डरने की जरूरत नहीं है। और वो दिन था, और आज इस बात को 11 साल हो चुके हैं, मुझे एक भी बार दौरे नहीं आए, कभी फिट्स नहीं आए, और उस आत्मा ने मेरी मम्मी के अंदर आना बंद कर दिया। और मेरी मम्मी जो हमेशा बीमार रहती थी, आज पूरी रीति से चंगी है। और जो कोई भी मेरी आवाज को सुन रहा है, मैं इस समय आपको एक चुनौती देना चाहता हूँ। अगर आप सच में परमेश्वर को तलाश रहे हैं, अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि वो परमेश्वर कौन है जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, तो आप सच में एक प्रार्थना को करिए और आप करिए, परमेश्वर जो तूने इस ब्रह्मांड को बनाया है, जो जीवित परमेश्वर है, मैं उसे जानना चाहता हूँ। और जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर अपने सत्य को आपके ऊपर प्रकट करेगा और आप उसे पालेंगे।